और सहमी हुई बकरी को देखता है और सोचता है, अरे मैं तो भूल ही गया, पहले इस बकरी को खा लेता हूँ, कुएं से बाहर निकलने की तरकीब तो बाद में भी सोच लूंगा। बकरी अपनी जान बचाने के लिए भेड़िये से कहती है, भेड़िये भैया क्या तुम मुझे खाने वाले हो? और नहीं तो क्या, कोई बेवकूफ ही तुम्हारे ऐसे स्वादिष्ट भोजन को छोड़ेगा। वो तो ठीक है, मगर मेरे पास इस कुएं से निकलने के लिए एक तरकीब भी है। भेड़िये भाई, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, सच में, नहीं तो रात में तुम भी यही ठंड से मर जाओगे जैसे मैं ठंड में थी पूरी रात यहाँ। कैसी तरकीब बताओ? भेड़िये भाई, मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं जल्दबाजी में कुएं में कूद गई थी। बाद में मुझे समझ आया कि यह कुआं बहुत ही गहरा है। बहुत समय यहाँ बिताने के बाद मैं समझ पाई हूँ कि यहाँ से निकलने के लिए मुझे किसी की आवश्यकता है, तभी मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ। अगर तुमने मुझे खा लिया तो तुम भी अकेले पड़ जाओगे और फिर तुम्हें भी किसी की सहायता पड़ेगी बाहर निकलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी पीठ पर चढ़कर छलांग लगा दो और बाहर चले जाओ, बाद में मुझे रस्सी डालकर बाहर निकाल लेना। मगरू ने सोचा, यह बकरी बात तो सही कह रही है, अगर इसे खा लिया तो बाहर कैसे निकलूंगा, और वैसे भी इसे तो मैं बाहर निकाल कर भी खा सकता हूँ। तुम सही कह रही हो, हम एक दूसरे की मदद से ही बाहर निकल सकते हैं। बकरी पैर को दीवार से टिका लेती है, मगरू पूरी ताकत के साथ कुएं से छलांग लगा देता है। कुएं से बाहर आकर मगरू बकरी के लिए रस्सी का इंतजाम करता है और रस्सी डालकर बकरी को भी बाहर निकाल लेता है। जैसे ही मगरू बकरी को खाने के लिए आगे बढ़ता है, चालाक बकरी कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भेड़िया भाई, तुमने मुझे खाने की जगह मेरी बात मान हम दोनों की जान बचा ली। आप बहुत अच्छे और दयावान भी हो, आप मुझे खा सकते थे परंतु आपने ऐसा नहीं किया। मगरू को बकरी की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, जाने अनजाने में उसने किसी की मदद जो की थी। शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, लेकिन इससे पहले मेरी नियत बदले तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत के समय घबराना नहीं चाहिए, समझदारी के साथ शत्रु का सामना करना चाहिए और उसको मित्र बना लेना चाहिए। एक सीधा साधा हाथी और एक चालाक लोमड़ी दोस्त थे, दोनों साथ में घूमा करते थे। एक दिन वो दोनों भोजन की तलाश में जंगल में इधर उधर घूम रहे थे कि रास्ते में उन्हें एक शेर मिला। आओ, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी, अब तुम दोनों में से एक मेरा भोजन बनेगा। ये सुनकर हाथी बहुत घबरा गया, उसने लोमड़ी से कहा, तुम शेर से बात करके देखो। ठीक है शेर भाई, जरा मेरी बात तो सुनो, आपके कान में कुछ कहना है। कहो। शेर भाई, आप तो मेरे भाई हैं, मैं तो आपकी सब बातें मानती हूँ, मुझे खाकर आपका कोई फायदा नहीं, आपका पेट भी नहीं भरेगा, सच कह रही हूँ, इसीलिए एक आपको उपाय बताती हूँ, आपको हाथी को ही खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका पेट भरेगा। इतना बड़ा हाथी खाने के बाद 2-4 दिन मजे से आप सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, नहीं तो मुझे खाके कल तक फिर भूख लग जाएगी। फिर भूख कैसे हो सकता है, मैं तुम दोनों को खाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको बस मेरे साथ मिलकर हाथी को गड्ढे में गिराना होगा। फिर दोनों ने मिलकर हाथी को गड्ढे में गिरा दिया। अब शेर खुश था कि इसका शिकार कब्जे में है। अब तुम इधर आओ चालाक लोमड़ी, खुद को बहुत चालाक समझती हो, अपने प्रिय दोस्त हाथी को भी मेरे लिए धोखा दे दिया। ऐ
ऐसा कहकर शेर ने लोमड़ी को अपने पंजों में पकड़ लिया और उसे खा गया, जो दगाबाज थी। आलसी तोता। एक पेड़ पर दो तोते रहते थे, किट्टू और मिट्टू। एक बहुत आलसी और दूसरा बहुत ही समझदार था। एक दिन समझदार तोते ने देखा कि पेड़ की जड़ से एक बेल निकल गई है, जो पेड़ का सहारा लेकर चढ़ती जा रही है। अरे देखो, हमारे पेड़ पर एक बेल ऊपर की तरफ आ रही है, चलो मिलकर इसे काट दे। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए दोस्त, मैं अकेले इस बेल को नहीं काट सकता। आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, हम कल काट लेंगे। ठीक है दोस्त, पर हम कल इसे जरूर काट लेंगे। अगले दिन फिर से तोते ने मिट्टू को आवाज लगाई। मिट्टू मिट्टू देखो, बेल तो दिन प्रतिदिन लंबी होती जा रही है, आओ इसे काट दे। कहीं शिकारी आ गए तो इसके सहारे हमारे बच्चों तक पहुंच जाएंगे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे। मिट्टू तुम बात को समझो, अभी तो बेल नाजुक है, मिलकर हम इसे काट सकते हैं। अगर ये सख्त हो गई, तो इसे काटना बहुत मुश्किल होगा। ऐसा करते करते कई दिन निकल गए और बेल पक्की हो गई। तोता रोज मिट्टू को आवाज लगाता, लेकिन मिट्टू कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। किट्टू तोता अपने बच्चों को लेकर दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर जाने को मजबूर हो गया, क्योंकि उसे पता था कि मजबूत बेल के सहारे कभी भी शिकारी आकर उसके बच्चे ले जा सकते हैं। मिट्टू, मैं अपने बच्चों के साथ दूसरे एक ऊंचे पेड़ पर रहने जा रहा हूँ, क्या तुम भी महल की तरफ चला गया। तभी उसकी नजर महारानी